अयोध्या की भव्यता के साथ बढ़ा रामचरितमानस पुस्तक का महत्व। गीता प्रेस में इसका खत ऑनलाइन के माध्यम से मात्र 4 दिनों में 10 लाख लोगों ने पढ़ा रामचरितमानस। गोरखपुर महानगर के सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय व रेलवे स्टेशन भी सजकर हुए तैयार, जिसे देखकर दिवाली का हो रहा एहसास। जिला प्रशासन ने 50,000 के फर्जी स्टाम्प मामले में 2 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा, की जा रही है विवेचना। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। शिवराज सेना के प्रमुख रितेश आला के नेतृत्व में महानगर में अयोध्या में 22 जनवरी के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। कहा, 22 जनवरी को सभी लोग घरों पर जलाएं दीपक, हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए रामगढ़ ताल में चल रहे क्रूज को कर दिया गया है फ्रीज। क्रूज में बजाया जा रहा है रामधुन, मनाया जाएगा देव दिवाली। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए मुस्लिम समाज के द्वारा दीवार पर लेखन अभियान का किया गया शुभारंभ। कहा, एक बार फिर से मोदी सरकार, राम मंदिर बनने से हम सभी मुस्लिम व हिंदू भाई बहुत हैं खुश। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सिख समाज द्वारा जटाशंकर गुरुद्वारा से निकाला गया मोटरसाइकिल जुलूस। श्री राम के जय घोष से गुंजायमान हुआ शहर। गोरखपुर पुलिस ने शातिर टप्पेबाजों के इंटर स्टेट गैंग का किया सनसनीखेज खुलासा। पुलिस टीम ने सरगना समेत पश्चिमी यूपी के 13 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार बदमाशों के गैंग में 3 महिलाएं भी हैं शामिल। एसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर व एसपी सिटी ने घंटाघर इलाके में पैदल गश्त कर आम जनमानस में सुरक्षा का कराया एहसास। संदिग्ध व्यक्ति व वस्तु दिखने पर पुलिस को सूचना देने की अपील। प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिगत गोरखनाथ में डीआईजी व एसएसपी ने दल बल के साथ पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। संबंधित अधिकारी और कर्मचारीगण को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।